प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस पर कल एयर शो होगा। सुल्तानपुर जिले में अरवल कीरी करवत गांव के निकट कल सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के द्वारा एयर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। आज विमानों के द्वारा रिहर्सल किया गया। एयर शो को लेकर सुल्तानपुर जिलेवासियों में बेहद उत्साह है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप का निरीक्षण किया। एयर शो के चलते यूपीडाक के द्वारा 26 जून तक सुल्तानपुर जिले के आसपास 5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप के क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस से गुजरने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर अरवल कीरी करवत गांव के पास बनी एयर स्ट्रिप पर किया था। लोकार्पण के मौके पर भी एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स के सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने आसमान में करीब एक घंटे तक करतब दिखाए थे। प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइजेस जो है कल कराई जाएंगी। उसकी तैयारी जो है अब तक पूरे एक हफ्ते से चल रही है और आज शाम तक सभी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। ज्यादा काम यूपीडा द्वारा किया गया है, जिन्होंने एयर स्ट्रिप को मेंटेन करके अपडेट करके इंडियन एयरफोर्स को आज शाम में हैंडओवर कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपनी इमरजेंसी जो एक्सरसाइजेस हैं वो कल करी जाएंगी, कल सुबह के समय। समय मौसम के अनुकूल है, वो डिपेंड करता है कि जिस समय मौसम क्लियर होगा उस समय वो एक्सरसाइजेस की जाएंगी। जनपद के अधिकारियों की ड्यूटी हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वहां लगाई है। किसी प्रकार से उनकी एक्सरसाइजेस में बाधा ना हो वो हम लोग प्रयास करेंगे। पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, तहसील की तरफ से भी ड्यूटी लगी है। ट्रैफिक डायवर्जन एक्सप्रेसवे पर काफी दिन से एक्टिवेट कर दिया गया था और पब्लिक के लिए एडवर्टाइज भी कर दिया गया था।